स्टूडेंट सेंट्रियूल और वैक्यूल। स्टूडेंट सेल के अंदर नॉर्मली हम लोग कहते हैं जस्ट एनिमल सेल के अंदर मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या होते हैं हैव रखे हुए होते हैं, यानी एनिमल और बहुत सारे एक सेल वाले जानदार जो होते हैं हालो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज रखे होते हैं, जिन्हें आप कहा जाता है सेंट्रियूल। लेकिन जब सेंट्रियूल्स एक्चुअली बना कैसे होता है, 9 ट्रिपलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, तो हम कहते हैं बने कितने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, तो नॉर्मली यहाँ कहते हैं जी 3 होते 3 3 का 9 ट्रिपलेट होते हैं, 1 2 3 3 की 9 ट्रिपलेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ट्रिपलेट किसके 3 3 ट्यूबुल्स के हमारे पास होते हैं। तो याद रखें एनिमल हैज़ अ 2 सेंट्रियोल लोकेटेड नियर टू द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। इन हम सेंट्रियोल्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है जब हम सेल को बनाते हैं, सेल के अंदर बाहर ये बाहर का उसका सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर पे यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रक्चर सी बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं हमारे पास सेंट्रोसोम्स। यानी इनके पास क्या होता है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर बननी होती हैं एनिमल सेल की सेल डिवीजन के दौरान। तो नॉर्मली जो हमारे पास यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर भी सेंट्रियोल्स होते हैं, लेकिन उनके जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो उनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला बनाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल से मुतलिक आपको बताया जाएगा कि वैक्यूल हमारे पास क्या है। वैक्यूल्स आर द फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं नॉर्मली सेल के अंदर क्या होते हैं कि हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल एक सेल के अंदर हो सकते हैं। और नॉर्मली इनका जो फंक्शन है दो तरह के सेल वैक्यूल्स के बारे में कहा जाता है, एक उनके पास क्या होते हैं जो फूड वैक्यूल होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। जो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल जो होते हैं वो आपस में मैचअप होकर इकट्ठे होकर क्या करते हैं एक बड़ा लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। और नॉर्मली क्या होता है वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो भी मटेरियल डाइजेस्ट हो गया उस डाइजेस्टिव मटेरियल को क्या करना, अंदर से निकालना, एलिमिनेट करना उस वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम देयर बॉडीज, ये उसका खास तौर पर जो है होता है वो फंक्शन होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वैक्यूल्स जो हैं हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन हमारे पास फ्लूइड फिल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं और हमारे पास बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन स्मॉल स्मॉल वैक्यूल आपस में मिलकर क्या करते हैं एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, जो कि नॉर्मली क्या होता है सेल के अंदर सेल की ट्रेजिडिटी को बनाने का काम करते हैं। तो ये सारे का सारा मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी हमारे पास क्या करते हैं भेजने के लिए काम आते हैं। तो हमारे पास याद रखिएगा वैक्यूल भी हमारे पास क्या है नॉर्मली एनिमल सेल और प्लांट सेल में मौजूद हो सकते हैं। स्पेशल काम जो है वो क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो एलिमिनेट फॉर द वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी, जो भी उनकी बॉडी में वेस्ट होता है वो सारी बॉडी के वेस्ट को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये हमारे पास आखिरी ऑर्गेनली था, इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस से मुतालिक पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।